नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय चैनल माय नॉलेज में। और आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आपने कभी देखा होगा, जब भी आप अपना पीएफ कभी कभार अप्लाई करते हैं तो आपको एक एरर आ जाता है। तो वो एरर कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि आपको एक एरर आएगा कि आपका नेम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, या जेंडर आपका मिसमैच है। तो इस तरह का कुछ एरर आपको शो करता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने जो भी आपके आधार कार्ड की डिटेल है, जो आपने केवाईसी जिसके साथ आपने लिंक किया हुआ है अपने यूएन नंबर को, तो उसमें कुछ और आपका नाम शो करता है, और आपका जो यूएन नंबर में जो आपके एम्प्लॉयर है उन्होंने कुछ और नाम अपडेट कर दिया होता है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाता है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है वो आप ठीक कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं उसकी। वो ऑनलाइन कैसे करेंगे वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना क्रोम ओपन करना है, और वहाँ पे आपने गूगल सर्च इंजन ओपन करना है। वहाँ पे आपने यूएन नंबर टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे आप इसका यूएन नंबर टाइप करके एंटर करते हैं, तो सबसे पहले जो ऑफिशियल साइट है आपका, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है यूएन ईपीएफओ का, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप ये मेंबर होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको, अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद हम कलेक्शन करेंगे जो आपकी बेसिक डिटेल्स है उसमें। तो मैं यहाँ पे यूएन नंबर डाल देता हूँ, जिसकी बेसिक डिटेल मुझे चेंज करनी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल दिया है, साथ में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखिए, पासवर्ड डालने के बाद आपने कैप्चा कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, जो ऊपर पे आपको कैप्चा कोड शो हो रहा है वो एज इट इज आपने यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आपने यहाँ पे, आप नीचे देखें साइन इन का ऑप्शन आता है, साइन इन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे लॉग इन हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन हो गए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना क्या है, सपोज करिए कि आपका नेम मिसमैच आ रहा है, तो नेम मिसमैच करने के लिए सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड पे देखिए कि आपका नाम क्या है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यूएन जो पोर्टल है उसमें आपका नाम क्या यहाँ पे एंटर हो रखा है वो आपने चेक करना है। यहाँ पे देखिए, ये नाम है आपकी, यूएन नंबर है, साथ में नाम है, या डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, जेंडर मिसमैच है, तो यहाँ पे क्या अपडेट हो रखा है। और साथ में आप ये देखिए कि आपके आधार कार्ड पे क्या है, अगर दोनों पे अलग अलग रहेगा तो वो एरर आपको आएगा मिसमैच का। तो इसको ठीक कैसे करना है, देखिए ठीक करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे टॉप पे अगर आप जाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे जाइए, एक होम का ऑप्शन आता है, होम के साथ व्यू का ऑप्शन आता है, साथ में मैनेज का ऑप्शन आता है। अब मैनेज पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज पे क्लिक करते हैं तो इसका थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते हैं, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप अपने बेसिक डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ अगर आप टॉप पे देखेंगे, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, यहाँ पे आप ये चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो आपके ऑलरेडी जो यूएन पोर्टल में आपका अपडेट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा अवेलेबल डिटेल्स में, और आपने जो मॉडिफाई करना है चेंज रिक्वेस्ट में यहाँ पे आपने डालना है। यहाँ पे डबल स्टार लिखा हुआ है, डबल स्टार यहाँ पे है, तो डबल स्टार में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जो भी चेंज करना है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है, तो जो आपके आधार कार्ड में है उसके अकॉर्डिंग ही आपने इसको चेंज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मेरा जो आधार कार्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए, मेरा आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। ये देखिए, आधार कार्ड नंबर मैंने एंटर कर दिया है। अब ये देखिए, मुझे जो अपना नेम है वो चेंज करना है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा एक नेम लिखा हुआ है, बट मुझे जो मेरे आधार कार्ड पे है वो नेम कुछ हो रहा है, तो मुझे जो आधार कार्ड पे नेम है मैंने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ फटाफट इसको एंटर कर देता हूँ, जो आधार कार्ड पे मेरा नेम है।
ये देखिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे आधार कार्ड पे जो मेरा नाम है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद तो ये तो नेम चेंज करने के लिए है, अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करना चाहते हो तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे अगर सेम है तो सेम आप यहीं पे एंटर कर दीजिए, जो आपका सेम है वही एंटर कर दीजिए। यहाँ पे ध्यान रहे आधार कार्ड पे जो डिटेल है वही आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जेंडर में देखते हैं, यहाँ पे फीमेल अवेलेबल डिटेल्स में है, इनके पास फीमेल है। अगर आपका जेंडर फीमेल ही है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे, अगर मेल है तो मेल करेंगे, या ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल है, मैं फीमेल यहाँ पे फीमेल एज इट इज़ रखता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये सारी करेक्शन करने के बाद आप क्या करिए, आप एक बार इसको मिला लीजिए कि आपने जो डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है या नहीं। ये मैंने ये डिटेल मिला रहा हूँ मैं, और ये आधार कार्ड नंबर ठीक है, मैं नाम देख लेता हूँ, ठीक है, नाम भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है मैंने ये। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे बोर्ड में दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, अपडेट और रीसेट। रीसेट करने के लिए जैसे ही रीसेट करते हैं तो सारा कुछ ब्लैंक हो जाएगा, आप दोबारा से इसको फिल कर सकते हैं। अपडेट करना है सब कुछ, डिटेल आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है तो इसको आप अपडेट कर दीजिए। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होने वाला है, मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ और ये मैंने कर दिया। जैसे आप यहाँ अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कन्फर्म डिटेल्स आता है कि आप एक बार डिटेल्स को आप कन्फर्म कर लीजिए। तो आधार कार्ड नंबर इनके पास नहीं था, अवेलेबल डिटेल्स में नहीं शो हो रहा था, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपडेट कर दिया है। उसके बाद नेम, नेम जो था वो मुझे ये नेम चेंज करना था तो मैंने इसको चेंज कर दिया, जो मेरे आधार कार्ड में है मैंने वोला नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ सेम था, बिल्कुल सही था, मैंने वही एंटर कर दिया है। जेंडर भी मेरा बिल्कुल सही है, मैंने वही वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो डिटेल है उसको अपडेट करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिया हुआ यस या नो, मैं करना चाहता हूँ तो मैं यस पे क्लिक करूँगा। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ कुछ प्रोसेसिंग में चलेगा, प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक एरर आ गया है, आधार वेरिफिकेशन सर्विस इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड की जो साइट है वेरिफिकेशन नहीं कर पा रही है, आधार कार्ड की जो आधार कार्ड जो पोर्टल है वो उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, कुछ इशू होता है सर्वर का। तो यहाँ पे बता रहा है कि कुछ टाइम बाद आप इसको ट्राई करिए। तो मैं इसको एक बार रीसेट करूँगा और दोबारा से इसको करके देखूँगा। यहाँ पर मैनेज पर जाता हूँ, मॉडिफाई बेसिक डिटेल्स पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर करके देखता हूँ फिर से। ये मैंने नेम डेट ऑफ बर्थ ये सिलेक्ट किया, इसको अपडेट किया और यहां से यस कर दिया मैंने, फिर से प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों ये फिर से माफ़ी चाहूँगा, दोबारा से यही एरर आ गया है, तो इस टाइम तो नहीं हो रहा है, मैं इसको बाद में अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप ये जान सके कि इसको आप अपने डिटेल्स को, जो बेसिक डिटेल्स है उसको आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो आप जान ही चुके होंगे आप ऐसे ही करेंगे, अभी तो सर्वर डाउन है तो अभी हो नहीं पा रहा है, लेकिन अब आप जब भी आपको ये एरर आएगा तो कुछ टाइम बाद आप ट्राई करिए, हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये होगा कितने दिन में अपडेट, इसका अगर मैक्सिमम देखते हैं तो आप 15-20 डेज लेके चलिए कि 15-20 दिन लगेंगे और ये आपकी जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगी और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बस मैं यही बताना चाहता था कि आप ये बेसिक डिटेल्स को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।